प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 100 नई दीनदयाल रसोई योजनाओं की शुरुआत की है, जहां अब गरीबों को 10 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। इसी योजना के तहत इंदौर में भी सीएम शिवराज ने रसोई केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। शहर के बापड़ चौराहे पर स्थित योजना से जुड़े केंद्र की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली की, जहां अब महज 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था रहेगी। सीएम शिवराज ने इस मौके पर रसोई योजना की निगरानी के लिए बनाए गए पोर्टल का भी लोकार्पण किया, जिसके जरिए रसोई केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर पूरे शहर भर में 5 रसोई संचालित होगी, जिनमें झाबुआ टावर पे, गंगवाल बस स्टैंड पर और पलसीकर कॉलोनी का जो आश्रय स्थल है, सुखलिया आश्रय स्थल है, इन सभी पर ये रसोई संचालित होगी। ये क्योंकि पूरे शासन की ये मंशा है कि जितने भी गरीब लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं, चाहे मजदूर वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग हैं, वो दिन में जहां काम करते हैं तो उनके आसपास ही भोजन की उनकी व्यवस्था रहे। इस पूरे केंद्र में ये व्यवस्था की जा रही है कि 10 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए भरपेट भोजन उपलब्ध रहेगा, और इन 5 केंद्रों के बढ़ने से नगर निगम इंदौर में इनका कवरेज बढ़ेगा, जिससे कि लोगों को कम दूरी पर ही ये रसोई उपलब्ध होगी। तो जितने भी लोग हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी को ये अवगत कराएं कि इन इन स्थलों पर ये रसोई संचालित हो रही है और अधिक से अधिक इनका लोग लाभ उठा सके। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रों पर मौजूद लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।